मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र तथा आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत का आज जन्मदिन है। फिलहाल सीधा जुड़ेंगे जयपुर में, जहां पर लाइव एक संबोधन उनका जारी है। संकट में डाल दिया, मगर हमेशा प्रदेश की सरकार ने पिछले 14-15 महीनों से जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जिस प्रकार एक कोरोना का इस वॉर की लड़ाई को लड़ा, मैं इसको एक मेडिकल वॉर बोलूंगा, उन्होंने जिस तरीके से इस प्रदेश की सरकार ने ये लड़ाई लड़ी, किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा प्रदेश की जनता की जान माल की रक्षा की जा सके, किस तरीके से ज्यादा गरीब आदमी आम आदमी को राहत पहुंचाई जा सके, चाहे वो मजदूर पलायन कर रहे थे पिछले लॉकडाउन में, चाहे विभिन्न कारखाने बंद हो गए, नौकरियां चली गई, मगर प्रदेश की सरकार ने, तमाम कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी पिछले 15 महीनों से वो हमेशा आह्वान करते रहे हैं पार्टी को, पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, कि ये मौका राजनीति ना करके केवल और केवल मानव सेवा में किस तरीके से कार्यकर्ता नेता जुड़ जाएं पूरे देश में, ये हमारे नेता राहुल गांधी जी की सोच रही। उसी के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा साहब, इन्होंने प्रदेश के अंदर बेहतरीन कार्य किया। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी ने, इनके डिपार्टमेंट ने जिस तरीके से कोरोना की इस महामारी की रोकथाम करी प्रदेश में, भीलवाड़ा मॉडल आप सबको याद होगा, पिछले साल पूरे देश में अगर कोई मॉडल डिस्कस हुआ तो प्रदेश सरकार का भीलवाड़ा मॉडल डिस्कस हुआ, और अब जब ये सेकेंड वेव आई है, इसके बावजूद भी प्रदेश की सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देश में, और आने वाले समय में भी प्रदेश की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं इस मौके पर आदरणीय धर्मेंद्र सिंह राठौर जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत कम समय के नोटिस पे, बहुत कम समय था मगर फिर भी आपने 2 दिन के अंदर इतना शानदार कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। आपने इस शानदार कार्यक्रम के बारे में सोच रखी, जिसके पीछे केवल एक ही भावना थी कि किस तरीके से पूरे प्रदेश में सभी जिलों पे मानव सेवा का एक पुनीत जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया जाए। सतवीर और भाई करण राठौड़ को विशेष तौर पर धन्यवाद, आपने दिन रात एक करके इस पूरे कार्यक्रम को किस तरीके से हम पूरा कर सके, तमाम आपने साथियों को जिलों में जोड़ा, तमाम आपने तमाम जो जिले में साथी हैं उनको आप लोगों ने प्रेरित किया। आदरणीय राठौड़ साहब ने लगातार 2 दिन तक प्रत्येक जिले में खुद एक एक आदमी से बात करी, उनको प्रेरित किया कि ये समय है मानव सेवा करने का, ये समय है हम ज्यादा से ज्यादा सोशल कॉज में अपना समय दें। आदरणीय राठौड़ साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने हम युवाओं को हमेशा किस तरीके से आगे किया जाए उनकी सोच रही है, और उन्होंने उसी के अनुरूप मेरे जन्मदिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा वर्चुअल, और उनकी सोच यही थी कि जन्मदिवस एक बहाना है मगर पूरे प्रदेश में जो कोरोना महामारी का दूसरा दौर है उसमें ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना रहती है हमेशा मानव सेवा की, उसी कड़ी को जोड़ते हुए उन्होंने आगे ये सोच रखते हुए प्रत्येक जिले से साथियों को जोड़ा। ये कम बात नहीं होती कि तमाम जिलों को जोड़ के 41 विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न जिलों में किए गए, ये अपने आप में एक बहुत ही काबिले तारीफ बात है कि इतने 2 दिन के इस अंतराल में आपने सभी जिलों में इतना बड़ा संदेश गया, आप सबके माध्यम से कांग्रेस पार्टी का संदेश गया। मैं तमाम आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं, और साथ में श्री दीन बंधु जी अलवर, श्री विष्णु जी सरपंच साहब, श्री सीताराम जी लांबा जी यूथ कांग्रेस के हमारे भाई जनरल सेक्रेटरी जो हैं, श्री शिव जी राठौड़ साहब बांसवाड़ा,
और ऐसे तमाम जो जिलों में मैंने अभी मेरे हाथ में लिस्ट है, तमाम जिलों में जो विभिन्न साथी हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर हैं इस कार्यक्रम के, जिले को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स, उनको धन्यवाद देता हूं, और साथ ही में उनके साथ जो जिलों में उनके कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने रक्तदान किया है आज, जिन्होंने पक्षियों के लिए परिंदे बांधे हैं, जिन्होंने गो सेवा करी है, जिन्होंने विभिन्न सामाजिक दूसरे कार्य किए हैं, उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, आप सभी लोगों के घर परिवार में खुशियां रहें ये कामना करता हूं, और एक बार पुनः हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय धर्मेंद्र सिंह राठौर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, जो एक बहुत ही पॉजिटिव सोच के